नमो नमः। अध्यायवयं संस्कृत शिक्षणे भवतां स्वागतम् अस्ति। कक्षा दशमी षष्ठ पाठः सुभाषितानि अध्ययनं करिष्यामः। सुभाषितानि अर्थात् सुंदर वचन जो कहे गए हैं वे सुभाषितानि कहलाते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः विविध ग्रंथात संकलितानाम दस सुभाषी तानाम संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ अनेक ग्रंथों से संकलित दस सुभाषितों का इसमें संग्रह किया गया है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितुम, सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांभीर्य युता, अर्थ की गंभीरता यानी कि गहराई को पद्यमयी पद्यों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा प्रेरणात्मिका प्रेरणा देने वाली रचना यानी कि शिक्षा देने वाली रचना सुभाषितानि, सुभाषित ऐसे कहा गया है, उनको जो है सुभाषित कहा गया है। अयम पाठांश यह पाठ का अंश परिश्रम से महत्वम, परिश्रम का महत्व और क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध का दुष्प्रभाव बुरा प्रभाव और सामाजिक महत्व, सर्वेषां सभी वस्तुनाम वस्तुओं की उपादेयता यानी कि उपयोगिता, बुद्धे वैशिष्ट्यम और बुद्धि की विशेषता इत्यादीन आदि विषयों को यहाँ पर जो है प्रकाशित किया गया है। हम देखते हैं पहले नंबर के सुभाषित को, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तो महान रिपु, नास्त्यम उद्यम समो बंधु कृत्वायम न अवसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तो महान रिपु, आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्य का शरीर के अंदर स्थित महान शत्रु होता है आलस्य। न अस्ति उद्यम समो, न अस्ति नास्ति उद्यम समो, नहीं है उद्यम, उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम के समान कोई भी बंधु, कोई भी बांधव भाई बंधु नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो व्यक्ति उसको करके कृत्वा यम न अवसीदति, वो कभी भी दुखी नहीं होता है यानी कि वो सफलता प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नव अवसीदति। न अस्ति उद्यम सम यानी कि परिश्रम के समान कोई भी बंधु, कोई भी भाई, कोई भी नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। गुणे गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलिम बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, पिको संतस्य गुणम न वायस, करीच सिंह से बलम न मूषक। गुणी गुणम कहते हैं कि गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, वेत्ति का मतलब जानता है, और न वेत्ति निर्गुणो, और जो वेत्ति निर्गुणी होता है वो गुण को क्या जानेगा। बली बलम वेत्ति, जो बलवान व्यक्ति होता है वो बल को जानता है, और जो निर्बल होगा वो बल को क्या जानेगा। न वेत्ति निर्बल, न वेत्ति नहीं जानता है निर्बल, जो निर्बल व्यक्ति होता है वो बल को नहीं जानता है। इस प्रकार से पिको वसंतस्य गुणम न वायस, करीच सिंहस्य बलम न मूषक। पिको वसंतस्य, पिको कोयल वसंत के गुण को जानती है, वेत्ति जानती है, न वायस कौवा नहीं जानता है। वसंत के गुण को कौन जानती है, कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है। करीच सिंहस्य बलम न मूषक, करी हाथी सिंहस्य शेर के बल को जानता है, न मूषक यानी कि चूहा
नहीं जानता है। इस प्रकार से जो जिसका बल है वो उसी को वह व्यक्ति उसको उसी प्रकार से जानता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा श्लोक। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वेह कथम जनस्तम परितोष इष्यति। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, यानी कि किसी कारण किसी उद्देश्य से जो व्यक्ति क्रोधित होता है। ध्रुवम च तस्यापगमे प्रसीदति, ध्रुवम निश्चित रूप से स वह व्यक्ति उसके दूर हो जाने पर अपगमे वो प्रसन्न हो जाता है। और अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तम परितोष इष्यति। अकारण ही जो व्यक्ति द्वेष रखता हो घृणा रखता हो मनः वो उसका मन तो यस्य वे वो निश्चय ही कथम जनस्तम परितोष इष्यति, उस व्यक्ति को किस प्रकार से संतुष्ट किया जा सकता है जो बिना कारण ही लड़ाई झगड़ा करे बिना कारण ही द्वेष रखे मन में। उस व्यक्ति को कहते हैं कि उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर सकता। हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 4। उदीरितो अर्थ पशूनामपि ग्रह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्त अपि उहति पंडितो जनः परे इंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। उदीरितो अर्थ पशु नामपि ग्रह्यते। उदीरितो, उदीरितो का मतलब होता है बोला गया, जो कहा गया किसी के द्वारा, जो कहा गया वचन है उसका अर्थ पशु नामपि ग्रह्यते, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण किए जाते हैं। जैसे हम किसी डॉगी को बुलाते हैं गाय को बुलाते हैं तो वो हमारी आवाज़ सुन करके हमारे पास आने लग जाती है। विषय इसमें श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, हयाश्च घोड़े नागाश्च हाथी वहन्ति ढोते हैं बोधिता कहने के अनुसार वो जो है भार को ढोते हैं। अनुक्त अपि उहति, अनुक्त जो कहा गया नहीं है, उक्त का मतलब जो कहा गया और अनुक्त का मतलब जो नहीं कहा गया, उहति कहा गया पंडितो जन जो वाक्य नहीं कहा गया है उसका अनुमान पंडित लोग लगा लेते हैं, यानी कि जो विद्वान होते हैं वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये चिड़िया किस पेड़ पर जाकर के बैठेगी। परे इंगित ज्ञान पला ही बुद्धे, परे इंगित अपने जो इंगित करने वाले जो दूसरों को इंगित करने वाले उसको ज्ञान का फल जो बुद्ध है जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इशारों ही इशारों में अपने ज्ञान का फल प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद। हम जो बाकी का पाठ है बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।